भी गया भाई बाप खाने में तो गाइस यार मजा आ गया यार खाने में एकदम कि भाई अपने पास तो कोई सरकारी नौकरी है नहीं ना ही अपना उतना यूट्यूब पे कोई वीडियो वायरल हो रहा है तो अपन लोग सोच रहे हैं ना भाई देखो अपना निंजा टेक्निक हाथ से स्मैश नहीं कर सकते क्योंकि इतना ज्यादा गर्म है ना कि हाथ जल जाएगा इसी भाई इधर उधर हिला उला के अंदर उसके ऊपर तेल कैसे भी जाने का कोशिश करना उसके ऊपर चार प्याज लिए हैं और फिर चारों को अच्छे से छोटा छोटा पीस में काटते हैं उसके बाद अपना आलू इधर तैयार हो रहा है। सो जय श्री राम गाइस कैसे हो आप लोग आई होप आप लोग बढ़िया होगे मस्त होगे स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस डेली अपन लोग वीडियो ला रहे हैं ट्रैवलिंग का या फिर इधर उधर ब्लॉग का ला रहे हैं तो आज अपन लोग सोचे ना कि भाई गोलगप्पा का वीडियो लाया जाए क्योंकि अपने को ना गोलगप्पा खाने का काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा था बट मार्केट में खाएंगे तो हाइजेनिक नहीं होगा गाइस तो अपने को हाइजीन रहना है इसलिए अपन लोग सोच रहे हैं घर में ट्राई करने का मतलब घर में बना के अपन लोग खाएंगे जो भी खाएंगे हेल्दी खाएंगे उसमें कुछ भी अनहाइजेनिक चीज़ नहीं होगा। सो सोच रहे हैं गोलगप्पा ट्राई करें क्योंकि इससे पहले मैंने मोमोज वाला भी ट्राई करा था ना तो वो काफ़ी टेस्टी बना था और प्लस आप लोग को भी काफ़ी ज़्यादा वो वीडियो अच्छा लगा था तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग के सामने अपन लोग गोलगप्पा बनाएंगे ए टू जेड सारा कुछ प्रोसेस बाई प्रोसेस आप लोग को दिखाएंगे बनाएंगे और फिर आप लोग को दिखाएंगे कैसा टेस्टी बना है और फिर खा के भी देखेंगे कैसा टेस्टी है प्लस हमारा जो भी दोस्त है वो लोग भी खाएगा और वो लोग भी बताएगा कैसा टेस्टी बना है। तो अभी अपने को कुछ उसका सामान लाना पड़ेगा तो उसके लिए पहले अपन लोग मार्केट चलते हैं सामान लाते हैं और फिर मिलते हैं गाइज। सो भाई गोलगप्पा का रेसिपी देख सकते हो ये अपना भाई इसको इमली बोलते हैं जिसको कि मैंने पानी में भिगो दिया एक घंटा पहले दो घंटा पहले डाला था अभी अच्छा से ये फूल चुका है बट अच्छा से नहीं फूला अभी आधा घंटा और इसको लगेगा भिगो के रखेंगे अपन लोग तो अच्छा से फूल जाएगा उसके बाद अपन लोग इसको निचोड़ देंगे इसका पानी ले लेंगे इसमें जो भी बीचा होता है उसको फेंक देंगे और फिर मार्केट गए थे अपन लोग गए इसको लाने के लिए चिप्स है गोलगप्पा का इसको जब तलोगे ना तो ये फूल जाएगी बिल्कुल गोलगप्पा की तरह उसके बाद इसमें चोखा भर के और पानी डाल के खाया जाता है और इसको तलने के लिए अपन लोग रिफाइंड लेके आए देख सकते हो सोयाबीन रिफाइंड तो ये अपन लोग लाने के लिए मार्केट गए थे बट एक मेन काम बचा हुआ है जो कि चोखा बनाना है अपने को आलू का तो आलू को अभी अपन लोग बॉइल्ड करेंगे कुकर में डाल के उसके बाद चोखा को टेस्टी बनाने के लिए ना अपन लोग और भी कुछ उससे उसमें क्या उसको बोलते हैं ना भाई मेरे को इंग्लिश बोलना भी नहीं आ रहा तो वही डालना पड़ेगा तो और भी टेस्टी होगा तो चलो फटाक से कुकर निकालते हैं आलू निकालते हैं और फिर उसको बॉइल्ड करते हैं। तो भाई ये देखो इतना सारा आलू है अपन लोग ये कुकर में डाल दिए और ये अपना गैस भी स्टार्ट कर दिए लाइक देख सकते हो बर्निंग हो रहा है और अभी इसको पैक करते हैं और फिर इसको बॉइल्ड करते हैं और फिर आगे का प्रोसेस करेंगे गाइस। तो इसको लॉक कर दो ऐसे घुमाने का है इस तरह घुमा दो लॉक हो गया पूरे अच्छे तरीके से प्रेस्टीज का कुकर है मेरे को बहुत फेवरेट अच्छा लगा था तो इसी कारण से अपन लोग लिए थे और फिर अपन लोग किचन में नहीं बाहर में निकल के बना रहे हैं लाइक घर में ही लेकिन सीढ़ी के पास बना रहे हैं सीढ़ी देख सकते हो ऊपर गाँव का सीढ़ी है तो कुछ माइंड मत करना कि कैसा घर होता है गांव का भाई बहुत ही बुरा घर होता है गांव में मतलब शहर के लोग जैसे घर देखते हैं ना वैसा नहीं होता होगा तो वैसा तो नहीं है बट फिलहाल फिर भी जो भी है रहने लायक बहुत अच्छा है हम लोग के लिए हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखो अभी अपना कितना टाइम में लगता है ना वो मैं आपको बताता रहूँगा तो अभी आगे का प्रोसेस करते हैं लाइक अभी अपने को प्याज काटनी है टमाटर काटनी है क्योंकि चोखा को फ्राई करेंगे ना तो टमाटर दे के करेंगे ताकि इसमें टेस्ट काफ़ी अच्छा सा आए कुछ अलग सा टेस्ट आए भरता बनेगा ना चोखा बनेगा ना तो उसमें प्याज जाएगा तो अभी अपन लोग फिलहाल चार प्याज लिए हैं और फिर चारों को अच्छे से छोटा छोटा पीस में काटते हैं उसके बाद अपना आलू इधर तैयार हो रहा है बॉइल्ड हो रहा है बॉइल्ड होने के बाद इसको भूजेंगे तो अभी अपन लोग जल्दी से प्याज को छील लेते हैं और फिर काट लेते हैं फटाफट से। तो इसको अपन लोग थोड़ा सा फास्ट करके दिखाएंगे आज क्योंकि इसमें टाइम लगती है प्याज को कवर को हटाओ ऊपर से छीलो उसके बाद काटो तो काफी ज्यादा टाइम लगता है ना इसलिए थोड़ा सा इसको फास्ट करेंगे अपन लोग। तो मैं सिंपली दिखा देता हूँ गाइस कितना पतला अपने को कटिंग करना है तो ये हाफ स्लाइस है इसको अपन लोग पहले इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे कटिंग मारेंगे लाइक देख सकते हो मैं अकेला हूं ना तो कोई और वीडियो नहीं बना रहा है तो उसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो इसको ऐसे करने के बाद इसको एकदम छोटा छोटा सा पीस करेंगे ये देखो ऐसा ये देखो मेरे को चॉपिंग करना वैसे नहीं आता है जैसे कुछ लोग करते हैं ना रख के वैसे करना नहीं आता है तो ऐसे ही अपन लोग चॉपिंग करते हैं तो देख सकते हो साइज कितना छोटा छोटा सा अपन लोग कर चुके हैं ये देखो बहुत छोटा छोटा सा साइज हो चुका है देख सकते हो
तो इतना ही छोटा छोटा अपने को ये चारों प्याज को काटना है। तो अपन लोग फटाक से काटते हैं और फिर आलू होगा तो उसके साथ इसको मिक्स करेंगे मस्त वाला। अब चोखा बनेगा। लाइक चोखा का रेसिपी पहले उबाल जा रहा है, ये देखो कढ़ाई में। अभी पहले ना प्याज टमाटर और मिर्ची और उस पर जो भी मसाला जाएगा ना वो पहले फ्राई हो जाएगा। अभी प्याज डला रहा है इसमें, प्याज डाल दिया, मंटू फ्राई कर रहा है इसको भाई, फैन ऑन है। तो ये प्याज गया अंदर, अच्छा छिलका भी आ गया क्या। तो ये जाएगा और उसके बाद नमक जाएगा और फिर ये जीरा गोलकी का पाउडर भी जाएगा। और उसके बाद आलू अपन लोग कुकर से निकालेंगे, उसको छीलेंगे और फिर उसको स्मैश करेंगे, मस्त वाला मिक्स कर देंगे। आलू इसमें नहीं भूजेंगे क्योंकि भूनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेगा, इसी कारण से पहले इसका मसाला ही भूज दे रहे हैं अपन लोग। जीरा गोल की पाउडर ये है और नमक भी इसमें अभी भी डाल देना ताकि चोखा एकदम मिक्स हो जाए। मस्त वाला मंटू भूज रहा है, देख सकते हो। अभी हम दोनों ही मिलकर सारा काम कर रहे हैं फिलहाल तो चलो आगे अभी इसको फ्राई होने देते हैं, देख सकते हो। नमक भी ऐड हो चुका है और अभी मस्त वाला अच्छा से रोटेट करो ना, वो तो जल जाएगा। अच्छा अभी आलू का हो गया, ये निकल गया। अभी देखो आलू कितना है इसमें भाई, ये देखो आलू पूरा एक कुकर भर के एकदम आलू भाई। तो अपन लोग इसके साथ रात में शायद चावल भी खा सकते हैं, चोखा चावल। और ये तो हो ही रहा है, इसके लिए मसाला तैयार। आलू हो गया, आलू का छिलका को हटाया जा रहा है, देख सकते हो अभी छिला जा रहा है। उसके बाद इसमें सारा रखा जाएगा छिलने के बाद, फिर इसको स्मैश करेंगे और फिर ये वाला जो मसाला अपन लोग रेडी किए ना इसे मिक्स करेंगे। नमक अपन लोग उतना डाल दिए जितना कि ये सारा स्मैश किया हुआ आलू उसमें डाल के आराम से मिक्स हो जाए और नमकीन हो जाए, उतना नमक अपन लोग उसमें मिला दिए। तो इसको अपन लोग जल्दी से फटाक फटाक से छिलते हैं और फिर उसमें मिलाते हैं स्मैश करके, और उसके बाद फिर गोलगप्पा छानने का प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट से अपन लोग जल्दी से छील देते हैं इसको भी भाई। देखो अपना निंजा टेक्निक, हाथ से स्मैश नहीं कर सकते क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म है ना कि हाथ जल जाएगा, इसी कारण से एक ग्लास लिए। इसको अपन लोग मसाला वाले में आलू को डाल के स्मैश किया जा रहा है, ये देखो सारा एक एक करके ना सारा स्मैश हो जाएगा, सारा डाल के कर लो स्मैश। और स्मैश करने वाला कौन है भाई, चूरने वाला, तो ये मंटू है, देख रहे हो। तो हम लोग का ऐसा ऐसा भाई निंजा टेक्निक तो काफी चलता रहता है, क्या मंटू भाई इधर देख लेना थोड़ा सा भाई, एक सेल्फी लेंगे, इसमें सेल्फी तो नहीं बोल सकते, एक फोटो लेंगे थंबनेल के लिए। गोलगप्पा का चोखा बनाने में कितना मेहनत लगता है ना ये देखो भाई, मतलब हाइजेनिक खाना, हाइजेनिक गोलगप्पा खाना है ना तो भाई घर में ही बना के खाओ, क्योंकि बाहर में तो भाई जैसे तैसे बनाते तो हाइजेनिक नहीं होता है। बट देखो हम लोग पूरा हाइजीन का सारा कुछ ध्यान रखते हुए हैंडवॉश सारा कुछ करके आए, बट फिर भी ग्लास से स्मैश कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ भी गंदगी ना जाए। तो अभी इसको मस्त वाला स्मैश करके मिक्स करते हैं और फिर भाई इसमें गोलगप्पा इसी में छानेंगे अपन लोग, तलेंगे, उसके बाद मिक्स करके लास्ट में मिलते हैं। पहले तलेंगे ना उस टाइम आपसे मिलते हैं डायरेक्ट अभी। तो भाई अपना चोखा बन के रेडी हो चुका है और अभी अब अपन लोग तलने वाले हैं, तो उसके लिए अपना रिफाइंड लेना पड़ेगा जो कि मेरे पास यहाँ पे, ये देखो ये रिफाइंड है, इसको फाड़ के भी अपन लोग मंटू इसमें डालेगा। भाई जितना डालना होगा उतना डाल लो क्योंकि जल्दबाजी में ही करना है, तो सारा डाल देगा तो ये हो गया बर्बाद हो जाएगा ना भाई, लिमिट में ही डालियो फिर ताकि बर्बादी भी ना हो, मजे से खा भी सके। तो भाई रिफाइंड इसमें डाल चुके, थोड़ा बहुत पानी चल गया जिसके कारण झनकार, देखो भाई कैसा झनकार है इसका, थोड़ा सा पानी जाने के कारण ऐसा झनकार होता है। और अपना चिप्स आ चुका है, लाइक बहुत सारा चिप्स है भाई, आधा के जी चिप्स है तो समझ सकते हो कितना चिप्स होगा। उसी के लायक अपना चोखा भी है और पानी तो अभी तक अपन लोग मिक्स भी ना किए हैं, लाइक देख सकते हो ये एकदम पूरा मस्त वाला भिगो चुके, मस्त वाला फूल चुका है। अब इसको भी स्मैश करके ना इसका सारा पानी अलग करना पड़ेगा और बीचा इसका है ना उसको फेंकना पड़ेगा, पूरा वाइल्ड हो जाएगा ना एकदम, उसके बाद तलेंगे अपन लोग। अभी धुआं थोड़ा सा आएगा ना तो समझ जाना अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है तेल, उसके बाद अपन लोग चिप्स डालेंगे ताकि जल्दी जल्दी अच्छा सा चिप्स हो। तो इसको देख के अपन लोग पहले टेस्ट किए हैं बट अभी अच्छा से गर्म नहीं हुआ है, देखो फूलेगा कैसे भाई पूरा अच्छा से, उसको अंदर डुबा अंदर डुबा अंदर डुबा प्लट नहीं हो पाया अच्छा से, ये भाई अच्छा से गर्म नहीं हुआ था अभी, बट फिर भी पहला देख रहे हो कैसा हो गया। सो ये देखो एक और पांच गया, इसको भाई इधर उधर हिला उला के अंदर उसके ऊपर तेल कैसे भी जाने का कोशिश करना, उसके ऊपर गया तेल भाई, अगर झंझरा होता ना तो बहुत जल्दी हो भाई, देख रहे हो यार बॉल कितना, ओ भाई मतलब क्या भयानक वाला, निकाल निकाल जल्दी निकाल, जल जाएगा
जल जाएगा, जल जाएगा, एक एक करके जल गया ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा ये हो गया। भाई थोड़ा सा ना इसका आँच को कम कर दो, देखो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम था तो कम कर दिया, अभी तेल सही आ जा रहा है। ज़्यादा झंझरा रहता ना तो उसमें ना तेल ज़्यादा आता नहीं, आराम से आता, सारा नीचे जाने के बाद आता। इतना इतना मत डाल, चार पांच डालना। अरे भाई छटका पड़ गया यार यहाँ पे। ये देखो भाई ये भी कैसे गोल होगा देखना अभी। ये भाई निकाल निकाल निकाल, जो फूल गया उसको निकाल लो। अब नहीं नहीं खुलेगा, जल जाएगा, जल जाएगा भाई। वैसे निकालते हैं। हाँ ऐसे ही करना, ऐसे ही करना। अरे तू लावे ना। अच्छा ज़्यादा खर हो गया, तेल पूरा भर भर के आ रहा मंटू। सब गिरते नहीं, बहुत ज़्यादा तेल आ जा रहा है। गिरेगा इसमें, उसमें गिरेगा तो फ़ायदा क्या है, इसमें गिरने से क्या फ़ायदा होगा, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। झंझरा रहता तो मज़ा आता भाई, सही बोल रहे हैं। ये लो फिर से गया भाई, देखना अब की बार कैसे बॉल बनता ना वो देखो। ये देखो कैसे बॉल बन रहा भाई, धीरे धीरे देखो ऊपर। ओरे भाई साहब ये देखो, ये देखो बन गया सारा बॉल। निकाल मंटू निकाल भाई। अरे भाई भाई वॉल देखना कितना आ रहा है अभी, बूंदे बूंदे इधर भी फेंका रहा है तेरे छन्नी से। तो अभी सारा कुछ तल लेंगे ना, उसके बाद लास्ट में भी मिलते हैं गाइस। जल्दी से अपन लोग अच्छे से तलना है, क्योंकि देख लो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ये हो जा रहा है, जला हुआ टाइप का हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा थोड़ा सा रेड में चलता है। बट ये देखो फिर से जा रहा है, डालो। ओ भाई अब की बार पाँच गिन के डाला है ना, घुमा दे सबको, अभी पलट दो। हाँ अब निकालो भाई निकालो, जल जाएगा नहीं तो। सो भाई देख सकते हो यार इतना सारा अपन लोग तल दिए, अभी कितना खर्चा हुआ होगा मंटू, अभी आधा। ये देखो अभी भी इतना बचा हुआ है, बहुत सारा बचा हुआ, मतलब आधा से थोड़ा सा ज़्यादा अपन लोग तल दिए, फिर भी सारा कुछ भर चुका। और फिर मंटू ऐसे ही ट्राई कर रहा है, डायरेक्ट ट्राई करके देख मंटू कैसा लगता है। भाई चोखा ना मेरे को भरता काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट कैसा है भाई, टेस्टी है ना भाई, मस्त लग रहा है। अभी इसका पानी को अपन लोग निचोड़ के बनाते हैं। इसमें अपन लोग सोच रहे हैं छेंग डाल दे, बट नहीं डालेंगे उसको, क्योंकि जल्दी जल्दी करनी है, शाम ज़्यादा टाइम भी हो रहा है, तो अपने को इसको जल्दी से पानी बनाते हैं और फिर सारे दोस्त को बुलाते हैं। और इतना सारा तो अपन लोग नहीं खा सकते हैं, तो और भी सारे दोस्त लोग को बुलाते हैं और फिर सारे लोग मिल के खाएंगे और फिर देखेंगे कैसा टेस्ट है। तो भाई फाइनली सारा कुछ बन के रेडी हो चुका है। ये देखो इमली का पानी, ये अपना मस्त वाला गोलगप्पा, और ये चोखा, और ये देखो इतना सारा गोलगप्पा, ये पानी है इसमें, और इसमें चोखा है, और फिर ये अपना भगना, मंटू का भगना। और अभी अपन लोग खाएंगे इसको और फिर देखेंगे कैसा टेस्ट है। अपना गोलगप्पा बन के रेडी, अपना गोलगप्पा बन के रेडी है। बच्चा ट्राई कर रहा है, कैसा लग रहा है बाबू गोलगप्पा, कैसा लग रहा है बताओ, कैसा लग रहा है? उसको तो पता नहीं, अभी ये लोग बताएगा कैसा लग रहा है। मंटू भाई खा के बताना भाई, दोनों बताइए कैसा है। राहुल तुम भी बताना भाई, देखने में अच्छा लग रहा है। हाँ। चलो भाई बहुत मेहनत से बनाया भाई, टेस्ट करके बता। डब्बू है ना उसे निकाल लियो पानी। राहुल मोमोज वाला याद है ना, कैसा भाई मंटू, मस्त है ना, कैसा लग रहा है? टुनो आप चेक करके बताइए भाई, ठीक है? एक नंबर। राहुल कैसा लग रहा है भाई, अब की बार राहुल का चांस। अरे इतना लेट करेगा भाई राहुल, ओहो कैसा है भाई, मस्त है। अरे भाई साहब चलो तो अभी अपन लोग, हम लोग भी ट्राई करते हैं, खा के देखते हैं, क्योंकि ये लोग खा जाएगा तो अपने लिए कुछ ना छोड़ेगा भाई। अब हम भी खा के चेक करते हैं कैसा है भाई। ये अपना गोलगप्पा, इसमें अपन लोग वो छेद किए हैं, और ये भाई भी गया चकला भगला, माथा लहरेगा भाई। बाबू पैंट भीगा लिया। ये देखो भाई अपना बिना पानी वाला गोलगप्पा खाते हैं। सही है यार, तो भाई टेस्टी बहुत अच्छा है। अभी अपन लोग खाते हैं, राहुल का रिएक्शन तो कुछ अलग ही है। टुनो बाबू का भगना का तो देखो हाल ही देखो भाई, उसका क्या हाल हो गया। तो अभी पहले खाते हो शर्मा रहा है बेचारा। तो फाइनली गाइस अपन लोग गोलगप्पा खा ली, काफी ज्यादा टेस्टी था यार, बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। तो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा, और फिर आप लोगों ने देखा यार कैसे अपन लोग अकेले किए, लास्ट में फिर मंटू एक साथ दिया तो वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट किया, उसके बाद अपन लोग गोलगप्पा अच्छे तरीके से बना पाए। बस बट तलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, लेकिन अपन लोग बहुत अच्छे तरीके से तल लिए और बना भी लिए। खाने में तो गाइस यार मज़ा आ गया यार खाने में, एकदम
एंड बहुत ही टेस्टी था गाइज। बट आप लोगों को कैसा लगा हमारा गोलगप्पा प्लीज कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना कैसा लगा आप लोग को। और मैं सोच रहा हूँ ना, इतना अच्छा जब अपन लोग ब्लॉग भी नहीं कर पा रहे गाइज, जितना अच्छा अपन लोग फूडिंग कर ले रहे हैं, कुकिंग अच्छा से कर ले रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ ना कि भाई अपने पास तो कोई सरकारी नौकरी है नहीं, ना ही अपना उतना यूट्यूब पे कोई वीडियो वायरल हो रहा है, तो अपन लोग सोच रहे हैं ना एक भाई ठेला खोल ले, ठेला ले ले, उस पे ना अपन लोग गोलगप्पा का सेलिंग करें, बेचे, तो कैसा रहेगा ये ऑप्शन आप लोग कमेंट करके बताना। और आप लोग खाने के लिए आओगे या नहीं आओगे मेरा ठेला पे गोलगप्पा, वो भी कमेंट करके बताना। और अगर चांस मिले कभी मेरे को गोलगप्पा आप लोगों को खिलाने का, तो आप लोग खाओगे या फिर नहीं खाओगे ये भी कमेंट करके बताना। क्योंकि यार मैं बोलूँ ना, गोलगप्पा बहुत टेस्टी था यार, जो जो खाया ना बहुत सारे लोग खाए यार, क्योंकि इतना सारा तला हुआ था ना कि बहुत सारे लोग आए खाने के लिए, बहुत सारे लोग खाए और फिर गए, तारीफ भी किए बहुत ज़्यादा। तो आप लोग बताना आप लोग को हमारा गोलगप्पा देखने में कैसा लगा। कुछ लोग बोले बहुत ही अच्छा था, बट मानो ना तो मैक्सिमम 10-15 लोग खाए गोलगप्पा, इतना सारा तल दिए थे हम लोग। तो सोच रहे हैं यहाँ पर वीडियो को एंड करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेट भर चुका है, अपन लोग थोड़ा सा घूमेंगे, डाइजेस्ट होगा, और अभी अपन लोग खेत में आ चुके हैं तो समझ ही सकते हो। सो आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर। और आप लोग कमेंट करके बताना गाइस कि ऐसा फूड वाला अपन लोग और भी वीडियो लाए या फिर ना लाए। सो जरूर कमेंट करके बताना गाइस कि ऐसा ऐसा वीडियो और भी लाए या फिर नहीं लाए। सो बाय बाय, जय श्री राम गाइस, बाय बाय।